मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था, मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? आगे बढ़ते हैं भाई, स्टार्ट कर ले। हो गया, एक सेकंड। So hello and welcome to the new video, and आज we are back again with the meme reactions, the OG video, and we have the OG panel for that. We have Vice, Da, Main, we have Sam bhai, and also as always जो हमारे साथ guest होते, we have professional magnet bhai. क्या हाल है? Magnet bhai, सात से आपका caller. और magnet bhai क्या कर रहा सुबह से? सही बात है। सो एज यूजुअल वी हैव मीम्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड अगर आपको लगता है आपकी फीड में ज्यादा फनी डीएचएच मीम्स आते हैं, देन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड हमें डीएम कर दिया करो अपने मीम्स, हम लोग वो देख के रिएक्ट कर लिया करेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट हॉप इनटू द वीडियो। बूम, मैं थोड़ा नेगा स्टाइल आना ते मेनू खुलियां पैंटा ही जीना, जे बैगी पैंट्स हो गईयां, खुलियां टी-शर्ट्स हो गईयां। मैं भी यही वाला स्टाइल भाई, क्योंकि मेरे साइज के कपड़े नहीं मिलते तो डीले पहनने पड़ते। ओके आरआईपी टू द लेजेंड सिद्धू मूसेवाला, बट दिस क्लिप लाइक दिस इज सो फनी भाई, क्योंकि आप लोग ना ध्यान से देखना, हेजिटेशन दिखी है कुछ सेकंड्स तक की, बोलना नहीं बोलना बोलना। मेरा जी थोड़ा जहा वो हेजिटेशन हुई, बट फिर सोचा कि भाई इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं तो बोलना। दस क्या कितना समझावा हूं मैं केड़ा स्टाइल लगा यार। ऑडियंस में किस किस को वो वाला पता है ब्रो कि काले लेके आजो ब्रो, काले लेके आजो ब्रो, लाइक एनीवन रिमेंबर? इफ किसी को पता है तो भाई कमेंट में बताना जरा। दिस इज क्रेजी भाई, फॉर रियल। मैं मेरे पास, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, दिस इज टू मच इनोसेंस, और वो भी कुछ कह ही नहीं रहा भाई। हनुमान काइंड इज आल्सो शानगिर, क्या बोलूं भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, नरेंद्र मोदी साहब जी ने सबके सामने ऐसे पब्लिकली बोला जय हनुमान करके, बट जैसे ही वो गले मिले उन्होंने कान में धीरे से छोटी छोटी कुछ बहुत सारी हैं, अगर ढूंढना चाहो तो प्यारी प्यारी सी लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में देख ली इंस्टाग्राम पे, तो ये भी छोटी छोटी कुछ है। ये मैं हूँ। क्या है ये सफेद बाल सफेद दाढ़ी? ये 22 साल में ऐसे थोड़ी होते हैं यार लोग। ए आई नहीं अभी भाई की सफेद दाढ़ी, इन्होंने जानबूझ के डाई कराई है जस्ट टू हैव दैट बिग डैडी फीलिंग। क्या तो ये इसलिए रखी हुई है कि जब लड़कियां आके पैर छूने के लिए झुके तो उनकी क्लीवेज दिख जाए। क्या मतलब है इस लाइन का? जी दिखाई जिसने वो था मेरा जी दोस्त, मतलब जिसने मुझे जी दिखाई, जिसने मुझे धोखा दे दिया वो मेरा जी दोस्त था, वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं था, क्योंकि उसने मेरा साथ छोड़ दिया बीच में। नहीं ये गलत ब्रेकडाउन है, एक्चुअल ब्रेकडाउन वही था कि गांड दिखाई मुझे वो था मेरा गांड दोस्त, तो बेसिकली उसके अपने दोस्त ने गेम मूव कर रहा था कि वो आराम से वॉक कर रहे थे, अचानक से उसका दोस्त बोलता ए इधर देख, और एकदम से अपनी पैंट नीचे करके उसने अपनी तेजी से गांड दिखा दी, और वो तब से उसका एक गांड दोस्त बन गया, बिकॉज इससे नाम अटैच हो गया। स्टैन ने तभी उसका स्टैन ने उसका नाम तभी रख दिया। मैं तो कह रहा डांस ऑफ करके शॉर्ट, मैं कह रहा था अरे छोड़ना है छोड़ना है यार। बोलो अब बोल क्यों नहीं रहे हो? ओए फिर तू छोड़ना कर ली। मैं भी आपको सीधी तरीके से बोल रहा हूँ मत करो। दिस इज एक्चुअली फनी भाई, ये बेसिकली जिन लोगों को इस स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, जब एमयू वर्सेस किंग की जब बीफ चल रही थी तब कृष्णा ने एक स्टोरी डाली थी उस टाइम पे, द गेम इज टू बी सोल्ड नॉट टोल्ड, ठीक है, ये एक स्टोरी डाली थी जिसका मतलब बहुत सारे लोगों ने इसका ब्रेकडाउन डाला था उस टाइम पे कमेंट सेक्शंस में, बट उस पे से सोल्ड टोल्ड में से ओल्ड निकाल के कृष्णा को मतलब ओके। ऑन अ सीरियस नोट, डू यू फील लाइक बीइंग ओल्ड इन द रैप गेम इंडस्ट्री इज एक कोई शेमफुल चीज है, या फिर कोई ऐसा मतलब मजाक उड़ाने वाली चीज है, या फिर आपका मजाक उड़ना चाहिए अगर आप बूढ़े हो? नहीं यार नहीं, मतलब being, like, अगर तुम्हारी ओल्ड एज है
तो कहीं ना कहीं तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उस वजह से आई डोंट थिंक उसका कोई डिसरिस्पेक्ट है. मेक सेंस 15 साल से इन द गेम एंड वो दिखता भी है भाई, मतलब कृष्णा का जो क्रेजी होता है. एक वो ऐसा रहता है ना कि हिप हॉप में अगर तुम बूढ़े हो जाते हो, जैसे स्नूप डॉग है बड़ा है बट उसको सब अंक कहते हैं, दैट्स रिस्पेक्टफुल. हां हमसे पहले किया था, नाउ ही इज द ओजी. ऊपर से स्किल्स इम्प्रूव होते हैं इफ यू आर डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आप एक 40 साल के रैपर हो जिसने 2 साल पहले रैप शुरू किया, यू आर नॉट ओजी, फिर तो आप अंकल ही. फिर आपके गाने का नाम गिरफ्तार नहीं कार्डियक अरेस्ट होगा. वो नवाला भाई क्रेजी. बाबू जी मुझे दिल्ली के लौंडे की बुद्धि गरम, दिल्ली के लौंडे या कुत्ती रकम, बातों में बाबू जी. If I have to be honest about this bar, I feel like Delhi ke jaga Canada ke londo ke chuche naram hona chahiye. Q magnet bhai. Exactly. Baby new one, inhe pata hai yahan boss kon aur clone kon hai. Lyrical big pillow complain. Struggle kiya na ki God plan, jisko ke admire wo lyrical king. Dollar sign, I came with fire up raw strong. मैं उडेविल जब वो माइक कौन हिप हॉप पे बनूंगा मैं एक माइलस्टोन, मेरे पंचे से तू होगा नॉकआउट कज आई एम अ टायसन. मैं जाने लगा पीछे माइकल, कैन यू टेक माय राइफल, रफ्तार इज माय आइडल, लेट्स गो. कलमकार आइडल्स, आई कैन सी ही इज अनपेड. बाहर का वेस्टर्न हिप हॉप का ये सीन होता है कि सबसे ओवरयूज्ड बार कौन सा है, चेस और चेकर्स वाला एक बार होता है जो बहुत ज्यादा रैपर्स ने मार रखा है. अगर मेरे को इंडिया के लिए एक ऐसी वीडियो बनानी होगी ना कि सबसे ओवरयूज्ड बार कौन सा है, मेरे हिसाब से वो दो बार होंगे, या तो एक होगा माइक टाइसन, दूसरा होगा गांधी और गोडसे. ये दो बार इतने ज्यादा ओवरयूज्ड बार्स है ना DHS के. लाइक ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ एनीवन फील्स लाइक, अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा बार है जो बहुत ही ज्यादा ओवरयूज्ड है, डू कमेंट डाउन. मेरे को जेन्युइनली चीज के ऊपर अगर हुआ तो मैं इस पे एक रील है शॉर्ट बनाना चाहूंगा कि व्हाट इज द मोस्ट फकिंग ओवरयूज्ड बार, एंड आई फील लाइक माइक टाइसन बार इज द मोस्ट ओवरयूज्ड बार सबसे ज्यादा. मैंने भी जब मैं लिखना स्टार्ट करता था मैंने भी टाइसन वाला बार तो लिखा ही हुआ है इतने. मैंने खुद लिखा है बिगिनिंग में, पहले गाने में लिखा था मैंने अपना माइक टाइसन वाला बार. सैम तेरे को याद है मेरा पहला गाना जो मैंने लिख के सुनाया भी था उस पे करा था, काला पानी बीट होती थी एक. Let's agree, Karan Aujla kind of enjoys this. Karan Aujla को कहीं ना कहीं मजा आ रहा था ये बोलते टाइम में. ये तू मेरे सामने होता ना, मैं तेरी निकर ला के तेरी ठा 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 करानी सी. उसने पहले बोला था अगर उसको लगा कि ये बहुत अच्छा हुआ है उसे, तो उसने दोबारा किया कि जैसी ओजला भाई जैसी ओजला. हनी सिंह फैंस, इफ द फादर टर्म डिडंट एग्जिस्ट, शट द फक अप, शट द फक स्टैंड. तुम सबका चाचे का बड़ा भाई. साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इन तीन तरह के लड़कों से कभी पंगा मत लेना. फर्स्ट, जो हमेशा शांत रहता हो उससे पंगा मत लेना क्योंकि ये टाइम आने पर बदला लेते हैं. सेकंड, जो हमेशा गुस्से में रहता हो क्योंकि ये लोग आपको ऑन द स्पॉट कहीं पर भी ठोक देंगे. थर्ड, जिसने आपको ये रील शेयर की है उससे भी कभी पंगा मत लेना. When I tell you to sit on my face, don't just put 10% of your body weight down. Fucking sit on it. Sit like a chair. Don't ask if I can breathe. Just sit down. एक बात पूछनी है कि बंदी की ऐस से धूप क्यों आ रही है? फ्रीकी मौत, तेरा भाई फ्रीकी मौत. तेरी माँ तेरे पास में, काय के तलाश में, और तू प्यार के तलाश में. Bro, bro. Bro, wow, bro, chill crazy. Out, chill out. Man Why? Marries his own 40-year-old mother. और नीचे डिवोर्स के बाद वो इन्वेस्ट करने को बोलते हैं ना कि इंसेस्ट. Oh, whoa, let's go, Sam boy, let's go. Yo, this dude got jokes now. Would you still love me if I was a car? Me.
इसके इंजन में फुलावटें आएंगी एकदम से। मिस्टर कृष्णा जी आपका फोन आया है। कृष्णा जी आपका फोन की घंटी कब से बज रही है? मिस्टर कृष्णा जी प्लीज पिक अप द कॉल, प्लीज पिक अप द कॉल। इमेजिन यू आर इन अ कृष्णा कॉन्सर्ट भाई, ठीक है, रात के 9 बजे कृष्णा एंट्री मार रहा है एंड ये बज रहा है भाई। फियर एड्रेस लास्ट वन मोर एनकोर एबीजे मीम, लेट्स गो। शंता पाजी आप इतने परेशान क्यों हैं? यार बनता क्या बताऊं, मेरी वाइफ मुझसे हर एक पप्पी के 10 रुपए लेती है। आप तो फिर भी लकी हैं, वरना बाकी सबसे तो वो 4 रुपए लेती है। That is it for today's video. आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच DHH videos and हसल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। हम लोग डिस्कॉर्ड पे बैठ के हसल के सारे एपिसोड्स बैठ के देखेंगे। सो अगर किसी ने अभी तक मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड चेक आउट vice.main, he makes crazy beats and he raps and that's what we also do as well. So check out our content. Bye bye, take a lovely good night. Mwah. Bye. ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦ ਦੀ ਲੋਕ ਨਾ ਬੁੰਡ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇਰੇ ਡਰਨਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਚੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੰਨ ਵਿੱਚ ਚਾੜਦੇ ਕੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੈਰੀ ਤੂੰ ਬਾਰਦੇ ਬੱਲਾ ਮੈਂ ਫੜਾਂਗਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ।